आप लोग कहते रहते हैं ना कि हम जो वर्दी पहनना चाहते हैं देशभक्ति के लिए, चाहे देश के प्रति ऐसा प्यार है, ऐसा लगाव है, इसके लिए हम लोग फौज में न जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इसी देशभक्ति का वास्ता, ठीक है, आपको एक पहला और छोटा सा काम दे रहा हूँ, इतना ज़रूर करना, ठीक है। इस वीडियो को देखना, समझना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। जो भी लोग हैं इस चीज़ में लिप्त हैं, जो इसमें संलग्न हैं, उनको समझाने की कोशिश करना, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी लगभग टाइम जो हो रहा है, 12:15 हो रहा है, 12:13 हो रहा है, ठीक है। मैं आया ड्यूटी से, खाना वाना खाया, न्यूज़ मतलब मेस में है, LED लगा हुआ है, तो न्यूज़ पर देख रहा हूँ। लगभग 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सड़क पर उतर के हंगामा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि पुलिस वाले को मार भी रहे हैं। चल ठीक है, मान लिए कि तुम्हें सरकार के किसी फैसले से, उसके किसी निर्णय से, संविधान के किसी रूल से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस तरह से विद्रोह करोगे। पहली बात तो ये है कि तुमको पता ही नहीं है कि NRC और ये जो नागरिकता बिल जो पास हुआ, नागरिकता कानून जो लगा है, इसके बारे में तो तुमको पता ही नहीं है। पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए तुम लोग विद्रोह कर रहे हो, तो तुम लोग बताते हो कि आलू प्याज महंगा हो गया है, इसके लिए विद्रोह कर रहे हैं। यानी कि तुम्हारा सोच जो पता चल रहा है कि आलू प्याज महंगा हो गया, हाँ, किसी का मान लो, वही मान करके चलते, थोड़ा देर, एक सेकंड, एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मान लो आलू प्याज महंगा हो गया, तुम्हारी मानसिकता की बात मैं बता रहा हूँ, तो आलू प्याज वाली सोच को लेकर के, उसकी महंगाई को लेकर के तुम पुलिस वाले को भी मार सकते हो, सरकारी संपत्तियों को इतना जो नुकसान पहुँचा सकते हो आलू प्याज महंगा होने के कारण, ठीक। चलिए बात भी हटा देते हैं। तुम्हारे घर में जब तुम्हारा लड़का तैयारी करता, जैसे कि मैं अपने पिता की बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी एकदम सीना ठोक के बोलते हैं कि गौरव कुमार मेरा बेटा जो है फौज में है, CISF में है, देश की रक्षा कर रहा है, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों दोस्त लोग को, मतलब जो भी अपने आसपास में गांव के लोगों को एकदम गर्व से बताते हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है फौज में है। आँ? तो अगर मेरे पिताजी कल को ये काम करेंगे, कोई किसी कारणवश, मतलब कि अगर मान लो फौज आता है, पुलिस आता है, जो मतलब कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, चाहे उनको किसी भी कारण से रोकने के लिए अगर आते हैं, अगर वो लोग पत्थर चलाने लगे, तो क्या ठीक रहेगा? अच्छा एक बता, भी बताओ, क्या मेरे पिताजी चलाएंगे मेरे ऊपर पत्थर? यानी कि अपना बेटा है, अपना बेटा जब मतलब आएगा सामने में, तो उस पर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। और जो दूसरे का मतलब कि फौजी क्या है या पुलिस क्या है, वो कोई अपने मन से वो बिल पास किया है, वो नागरिकता कानून लगाया, वो तुम्हारा आलू प्याज महंगा किया है, जो उस पर तुम लोग पत्थर चला रहे हो सालो। अरे भोसरी के थोड़ा सा शर्म कर लिया करो, इतना औकात नहीं है तुम लोगों का कि, ठीक है, जो इतना कश्मीर जो बना रखे हो ना, 10 मिनट के अंदर में सारा साफ कर दे, धूल चटा दिए जाओगे, समझा? तुमसे ज़्यादा ताकतवर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर मत समझा करो। और दोस्तों आप लोग जो लोग मतलब कि फौज की तैयारी कर रहे हैं, जब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जुनून है, ठीक है, वर्दी का जुनून है, किसी भी चीज़ लाइन हो, सॉरी पुलिस लाइन हो या फौज लाइन हो, कोई भी हो, ठीक है, आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, ठीक है, उसको ओपन करना, पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना। जब भी आप भी अगर ज्वाइन करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फौज या पुलिस को, तो आपको भी इस टाइप के किसी ग्रुप में जोड़ा जाता है, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होते हैं, सटीक चीज़ जो रियलिटी होती है, वो दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। आया मैं उसको पढ़ा, समझा कि क्या है नागरिकता बिल, ठीक है, ये ना तो मुसलमानों के लिए है, ना आलू प्याज वालों के लिए है, ना देश के, ये क्या है, ठीक है, लंबा है, 4 पेज का है, वो आप लोग उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और जिम्मेदारी अभी से लो, ठीक है। उन गार्जियन को कहना चाहूँगा, मतलब कि थोड़ा सा जो ये तो तोड़ फोड़ करते हो ना, पत्थर चलाते हो पुलिस वालों पर, ठीक है, सोच लेना कि मतलब इतना कम से कम दिमाग में वो कर लेना कि कल को तुम्हारा भी बेटा है, वो भी इस मतलब वो भी जुनून रखता है, शौक रखता है फौज में, वो भी कल को जाएगा, कल उसके साथ अगर ऐसा होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा?
अपने देश का होकर के अपने देशवासियों को ऐसे करते हो, यही देशभक्ति बताते हो, यही जाहिर करते हो कि भारत देश हमारी माँ है, हाँ हम रक्षा करते हैं, ये जो अपना मौलिक जो तुम्हारा क्या है संविधान में है, जो कि हाँ अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में तो बड़ा अच्छा से जानते हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में नहीं पता है। अरे अधिकार के लिए लड़ते हो तो कर्तव्य को भी याद रखा करो, ठीक है। तुम्हारा इस देश में रहने से सिर्फ तुम्हें मौलिक अधिकार का जानने का ही वो नहीं है, मौलिक कर्तव्य को भी जानने का तुम्हारा हाँ होना चाहिए, कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा मौलिक कर्तव्य क्या है। सरकारी संपत्ति को तोड़ करके तुम किसका नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। पुलिस वालों को मार करके तुम लोग बहुत बड़ा तीर नहीं मारे, बहुत नाम नहीं कमा ले रहे हो, थोड़ा शर्म कर लिया करो भाइयों। आप लोग इन लोगों को समझाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है दोस्तों। यही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कम से कम एक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बस धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।